इज अप दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा और दुलारा मिस्टर दीवान। लेकर आया हूं आपके लिए छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो ये आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करना यदि अच्छा लगे तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और यदि हाँ, आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, फर्स्ट पार्ट जाके सबसे पहले देख लो, आप वीडियो को पूरा अच्छे तरह समझ पाओगे कि क्या हुआ, क्या सीन था। तो टेक्निकल गुरुजी की तरह इस ब्लॉग को भी चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजगीर में। ये देखिए, ये पहाड़े, ये पेड़ पौधे, कतई मन सा लग गया है मेरा। अब जी करता है यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। ये बंदर और ये कुछ मनोरंजन वाले दृश्य, एक खास पल। यहाँ आने के बाद यहाँ चप्पल खोल देता हूँ, जूता खोल देता हूँ। चलो भाई, जूता खोल लिए। देखो ये कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ कैमरा और मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, मतलब यहाँ शूट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम आपके लिए करेंगे, आप इस वीडियो को मेरे लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना। ये विंडो पे बना ड्रैगन और ये सुंदर सा नज़ारा। मेरा यहाँ पे अब रहने को जी करता है, इन पहाड़ियों में रहने का जी करता है। लगता है ये वीडियो जब देखूँगा मेरे दिल को भा जाएगा ये वीडियो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ये देख सकते हैं आप। आपसे जितना हो सके, मतलब कि हमसे जितना हो सके वो सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक और ड्रैगन और ये कुछ जापानीज में लिखा गया कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आता। और ये टेंपल के अंदर ये पूरा गोल्डन का लग रहा था, जैसे कि मानो कि ये गोल्डन ही हो। उसी का पानी शायद जमा हो गया। मैंने इस बंदर को एक चीज़ सिखा दिया, जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेगा उनको ये डराएगा इन आंटी की तरह। ये देखिए किस तरह से डराए ये। आंटी भयानक डरी है। मंकी और मंकी के बच्चे से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए तो मंकी के साथ, बंदरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना दिक्कत हो सकती है। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए कितना मस्त, कितना अच्छा नज़ारा है ये। ये देखिए, आपको सारी चीज़ दिखा रहे हैं जो राजगीर पहाड़ पे पाई जाती है। ये आपको शॉर्ट में दिखा रहे हैं इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसमें नहीं खड़ा होना है, इसे देखो। दोस्तों, मुझे तो ये पढ़ने नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए।
दोस्तों अभी हम अपने नए सब्सक्राइबर से मिले हैं, बिल्कुल नए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं घूमने को और लोग इनसे घुल मिल जाते हैं। मैंने भी कुछ टूरिस्ट से बात की, अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पे बताया था चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं, अभी तो आपको आगे का ही नज़ारा दिखाया हूँ, अभी तो पूरा मूवी बाकी है। ये देखिए हो गया, चलिए आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी मस्त लगा देखने में, मस्त क्या, और थे ही अच्छे इंसान, तो अच्छे चीज़ और अच्छे इंसान की पहचान पिक्सल से नहीं उसके गुण से होती है, ये बात मेरी बात है। राजगीर को खूबसूरत बनाने में जितना पेड़ पौधों का योगदान रहता है उतना ये बनाने वालों का भी योगदान है। पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। सिक्का चपकाया गया है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्या यहाँ सच में सिक्का चपकता है? एक मिनट इसको पूरी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। गाइज मैं भी जा रहा हूँ, मैं लक आज मैंने देखते हैं पैसा मेरा चपकता है कि नहीं। सिक्का है 2 रुपए का, तो आजमाऊं। हो गया। चपक गया भाई, मैं काफी लकीस्ट पर्सन हूँ भाई, चपक गया मेरा सिक्का। आपका चपका कि नहीं चपका? मेरा सारा चपक गया। आपका सारा चपक गया? यूट्यूब बना रहे हो क्या? जी आराम से चपक गया। मेरा दोस्त ने ट्राई किया, अरे भाई ये भी चपक गया, अलग जगह ट्राई करो, अलग जगह नहीं हो रहा है। लकी हो अनलकी, ये तो अपना लक खराब किया ही किया, साथ में सबका लक खराब कर दिया।